क्या असर देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में, वो भी देखना दिलचस्प होगा। अगर जम्मू रीजन की बात करें तो बीजेपी की यहां बढ़त नजर आ रही है, लेकिन कश्मीर में कांग्रेस और एनसी ने बढ़त बना करके रखी है। तो एग्जिट पोल जो सामने आया है वो हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दावे अपने अपने किए जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच हरियाणा की अगर बात करें तो कई ऐसे मसले जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल सत्ता से पूछती रही और एक सत्ता विरोधी जो लहर है वो भी देखने को मिलता रहा। तो देखिए सबसे पहले जो काउंटिंग सेंटर की तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए कई लेयर में काउंटिंग जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है और काफी सख्त सुरक्षा व्यवस्था यहां पर नजर आ रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो चल रही है। हालांकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो बैलेट पेपर की जब गिनती होती है उससे भिन्न जो है उसके बाद से रुझान आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा हरियाणा में देखने को मिल सकता है कि जैसे पोस्टल बैलेट की जो गिनती होगी उसके रुझान जो सामने आएंगे ठीक वैसा ही रुझान जो है वो ईवीएम के काउंटिंग में भी नजर आएगी। तो जम्मू कश्मीर में किसकी जीत होगी ये सवाल, और क्या हरियाणा में कांग्रेस वापसी करेगी ये भी सवाल, और इन सवालों का जवाब थोड़ी ही देर में मिलना शुरू हो जाएगा। एक एक जो रुझान सामने आएंगे वो रुझान सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे और वो रुझान धीरे धीरे परिणाम में भी बदलते चले जाएंगे। 12 बजे का वो जो वक्त होगा यानी कि मिड डे का वक्त होगा, तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। एक बार फिर से चलते हैं सहयोगी शुभी के पास। वाकई राहुल, और बहुत ज्यादा इंतजार करने की अब दर्शकों को जरूरत नहीं है, और कुछ ही सेकंड्स में कुछ ही मिनटों में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और वो रुझान सबसे पहले न्यूज 18 के इस खाली स्क्रीन में अभी आपको शून्य नजर आ रहा है।